कहाँ वालों, यह है लास्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो गाँव वालों, ये वैसे तो क्यों करते पता नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। जो गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ सेंस करने का काम करता था, लेकिन आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में भी। एमीटर में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, एमीटर बनाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर का ही वोल्ट मीटर भी बनाया जा सकता है। तो ये है इसी पे वीडियो कि कैसे 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 आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दोगे या फिर कैसे उसको वोल्ट मीटर बना दोगे। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि गैल्वेनोमीटर को कैसे आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, कुछ नहीं है बच्चों वाली चीजें। अगर मैं आपसे बोलूं कि कैसे कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे सीधे सीधे, बाय शंटिंग द गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। ये लाइन पता होना चाहिए। अब शंटिंग मतलब क्या होता है बताता हूं रुको, बाय SHUNTING शंटिंग द गैल्वेनोमीटर, जी मतलब गैल्वेनोमीटर है, बाय शंटिंग द गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट इट इनटू, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में, छोटी मोटी चीजें। अब शंटिंग मतलब ये जो वर्ड है संट, संट रेजिस्टेंस कहते हैं कई बार, और फिर संटिंग कहते हैं। तो संटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दो। किसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के। आ जाओ देखो कि मान लो कि एक वायर आ रहा था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है जिसको हम जी कह रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से करंट अपना मस्त आई वाला करंट आ रहा था, हमको नहीं पता कितना है तो आई मान लिया। अब अगर इसको, अभी तो गैल्वेनोमीटर है ही है, अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो एमीटर में, तो इसको पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दो। यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ, छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ने को ही संटिंग कहते हैं। संटिंग मतलब होता है पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दो। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, आर एस, संट रेजिस्टेंस, छोटा होता है। अच्छा गैल्वेनोमीटर में तो कोयल था ना, वो कोयल जिसको घूम रहा था, तो उसमें भी तो रेजिस्टेंस होगा। तो सिंस गैल्वेनोमीटर में भी कोयल था तो उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कह देते हैं आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या है, संट रेजिस्टेंस, समझे। अब होगा क्या कि ये कैसे, देखो सिंपल सी बात है, जहां आपने संट कर दिया ना, तो ये जो डिवाइस बना ना पूरा ऐसे करके, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या बन गया, एमीटर। अब इसको आप क्या बोलोगे, एमीटर। अब एमीटर क्या करता है, करंट को नाप देता है। भैया आपने तो बताया था कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ सेंस करता है फिर डिटेक्ट करता है, नापेगा कैसे बताते हैं। आ जाओ कैसे नापेगा, मान लो यहाँ से करंट आई आ रहा था, तो इसमें कुछ करंट जाएगा, कुछ करंट नीचे चला जाएगा। इसमें करंट कितना गया, गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया उसको मैं आई जी कह देता हूँ, जी से गैल्वेनोमीटर, समझ जाओगे। अगर आई में से आई जी उधर चला गया तो नीचे कितना बचेगा, आई माइनस आई जी, बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ गए। अब होगा क्या कि जो आर जी है और आर एस है वो तो पैरेलल में आ गए ना, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, तो दोनों का वोल्टेज निकालो, बराबर रख दो। कैसे निकालोगे, अगर मैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालूं तो जो वी होगा उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो I किसका, इसका, और R किसका, इसी का, है ना। तो आई जी इंटू में आर जी इज द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अगर मैं कहूँ अक्रॉस रेजिस्टेंस, नीचे वाला रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका क्या निकालोगे, इसका भी लिखेंगे, V का V लिखेंगे क्योंकि सेम होगा, ये भी V है तो ये भी V होगा। इसमें इसका करंट इंटू में इसका रेजिस्टेंस कितना, आई माइनस आई जी इज द करंट इंटू में रेजिस्टेंस कितना, आर एस, और दोनों का वोल्टेज सेम है तो दोनों को बराबर कर दो। सिंस दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल, देयरफॉर होगा क्या, जो बराबर हो जाएगा यार, देखो यहाँ पे लिखेंगे V, ये वाला आई जी आर जी है ना, बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले के, दोनों V ही तो है, I माइनस आई जी इंटू में आर एस, ये मेन फॉर्मूला है। अब इससे आप तोड़ के कुछ भी निकाल सकते हो, जो क्वेश्चन में बोला जाए। अगर आपसे कह रहे हैं कि आई जी निकालो तो निकाल लेना आई जी, वैसे क्या जा रहा है। अगर बोले आपको आई निकालो तो आई का फॉर्मूला निकाल के दे दो, आर जी और आर एस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, संट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आई जी या फिर आई में से कोई एक चीज पूछ सकते हैं वो आपसे, तो जो चीज पूछा जाए उसका अपोजिट आपको गिवन होगा। जैसे मान लो आई पूछा गया है तो आई जी आपको गिवन हो, आई जी गिवन होगा आपको, समझ गए। अब इसको कैसे कन्वर्ट हो गया ये गैल्वेनोमीटर में, ये भी थोड़ा समझा देता हूँ मैं। देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं करंट आई को नाप पाऊं संभव, तो मान जाओगे ना कि ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया। कैसे, देखो हम यहीं से कर लेते हैं, इसको पहले वाले मल्टीप्लाई कर दो यार, छोटी मोटी चीज़ है, जल्दी कर दो। आर जी आर मतलब आई जी आर जी यहाँ पे था इजकल टू में आई इंटू में आर एस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो आई आर एस, और माइनस में ये इन दोनों से आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि आई जी और आर एस आ जाएगा, राइट। अब मुझे आई निकालना है तो इसको इधर भगा दो, तो आई जी आर जी माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का, आई जी आर एस इजकल टू आई आर एस, बचेगा कि नहीं बचेगा।
अब मुझे आई निकालना था, लेकिन हमको दिख रहा है यहाँ पे आईजीआईजी कॉमन आ गया, तो ले लो कॉमन ले लिया। बचेगा क्या अपने पास, आरजी और ब्रैकेट में आरएस बचेगा इक्वल टू आईआरएस बचेगा। आरएस किस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर भगा दो, आई निकालना है तो अपॉन में आरएस इक्वल टू क्या निकल जाएगा, करंट। सही बात है। अब देखो आरजी यानी कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तो हमको पता होता है पहले से, जो हमने पैरेलल में जोड़ा शंट रेजिस्टेंस वो तो हमको पहले से पता होगा, हमने तो जोड़ा है, तो आरजी और आरएस तो हमको पहले से पता है, ये सारी वैल्यू तो पता है। अब IG मतलब क्या है, वो करंट जो गैल्वेनोमीटर नाप रहा होगा, तो गैल्वेनोमीटर मतलब करंट तो नाप देगा, IG कौन नाप के दे देगा आपको, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि छोटा सा रेजिस्टेंस है, छोटा सा करंट है, रेजिस्टेंस और ये वाला दोनों तो पता ही है, हमको IG भी पता है, RG RS पता ही है, तो I निकल जाएगा, और I निकल गया मतलब I नाप रहा है, करंट नापने लग गया जो कि सिर्फ सेंस करता था, तो जब नापने लग गया तो एमीटर कहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों वाली चीजें, जल्दी से रिविजन देख लो कि आपको याद क्या रखना है, कि संटिंग कर दो सीधे सीधे एमीटर में कन्वर्ट होता है। संटिंग मतलब क्या होता है, पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना, फॉर्मूले के हैं जितने इतना मैंने बताया, मैक्सिमम है ये, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगले वीडियो में बताएंगे भाई, वरना वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो गया देखोगे नहीं। तो चलो जल्दी से इसको नोट जरूर कर लेना पॉज करके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हर वीडियो में कहता हूँ लेकिन करोगे तो ना, कमेंट करके बता दिया करो कभी कभी, कुछ कुछ समझ में आ जाए तो। चलो भागो, बाय।